हेलो। हाँ मैं तो ठीक हूँ। हाँ अरे ये रामू काका कर क्या रहे हैं? कितनी गंदी हरकत, वो हमारी किचन में। तो मैं वीडियो बनाती हूँ और प्रिंसिपल को दिखाऊंगी, तब इनको समझ में आएगा। हे भगवान, शर्म भी नहीं आती इन्हें, इतनी उम्र होते हुए भी। हे भगवान, तो ठीक घिन आ रही है। इसे तो बाद में बताऊंगी, ब्रिजपाल को बताऊंगी। हेलो। अरे यार, तुमने कैसे कैसे लोगों को काम पे रख लिया यार। अरे यार जी, वो पता है रामू काका हमारे किचन में क्या क्या गंदी हरकतें कर रहे हैं। अरे यार तुम समझो यार, मैं अकेली यहाँ पे हूँ, तुम ऑफिस में हो, मेरे साथ ही कुछ कर लिए तो तुम जल्दी आओ। मैं नहीं जा रही, तुम जल्दी आओ। देखो मैंने उसका वीडियो बना रखा है, जल्दी आओ। हे भगवान, क्या क्या नहीं यार, क्या क्या नहीं देखना पड़ेगा। सारे काम रसोई का कर लिए, बता साहब के लिए और कोई काम है तो मेरे को बता दो। आप हमारे किचन में क्या कर रहे थे? मतलब आपको शर्म नहीं आ रही है कि आप इस उम्र में भी ऐसे ऐसे काम कर रहे हो? कितनी गंदी हरकतें कर रहे थे आप। मैं ना ब्रिजपाल को मैंने कॉल कर रखा है, वो अभी आता होगा और ना आपकी खैर करिए। मैं सब मैंने ऐसे क्या कर दिया, मैं तो किचन में बर्तन धो रहा था, ऐसे में कोई हरकत भी करी नहीं। कितने बेशरम हो आप, मैंने खुद देखा अपनी आंखों से कितनी गंदी गंदी हरकतें कर रहे थे। आपको जरा सा भी शर्म नहीं आ रही है ना? मेन साहब आपको ना कोई गलतफहमी हुई है, मैं तो किचन में काम कर रहा था, ऐसी कोई गलत हरकत नहीं कर रहा था। कोई नहीं, ब्रिजपाल को आने दो, वो ना जब तुम्हें नौकरी से निकालेगा ना तब तुम्हें समझ में आएगा। जाओ अपना काम करो, यहाँ से निकलो। मुंह क्या देख रहे हो, निकलो यहाँ से। मेम साहब आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। शर्म आदमी है, मतलब कुछ भी शर्म नाम की चीज नहीं है। इसे ब्रिजपाल को आने दो, तब इसे बताती हूँ। आज इसे नौकरी से नहीं निकलवाया ना, मेरा नाम नहीं आने दो बस इसे। तो वेट कर रही हूँ उसका आने का। अरे नेहा, क्या हुआ, कैसे बुला लिया मेरे को इतनी जल्दी? तुम? हाँ बोलो। यार तुमने किसको किसको काम पे रखा है यार, कैसी गंदी गंदी हरकतें कर रहे हैं तुम्हें पता है? इसलिए मैंने तुम्हें कॉल करके बुलाया इतनी जल्दी। क्या हो गया, कुछ बताएगी भी? वैसे इतने बुजुर्ग आदमी पे ब्लेम लगा रही है। बुजुर्ग किन्हें कह रहा है बुजुर्ग? देखो उसकी गंदी गंदी हरकतें देखो। ये हमारा किचन है और नहीं तो क्या, इसीलिए मैंने वीडियो बनाया कि तुम्हें भी बिलीव हो जाए कैसे कैसे इंसान को रखे हो तुम। कितनी गंदी हरकतें कर रहे हैं। रामू काका, रामू काका आओ इधर जल्दी। ये कितनी गंदी गंदी हरकतें कर रहे हो हमारी किचन में, आपको थोड़ी बहुत शर्म है नहीं है? मालिक कोई मैं गलत हरकत नहीं कर रहा था, मालिक में कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी? ये सारी वीडियो बना रखी इनने और इस वीडियो में साफ दिख रहा है आप क्या हरकतें कर रहे हो। ब्रिजपाल इसे क्या बोल रहे हो, इसे धक्के मार के निकालो यहाँ से। कल को मैं अकेली यहाँ पे रहती हूँ, तुम तो ऑफिस चले जाते हो, अब पता नहीं मेरे साथ क्या क्या कर ले। इसे निकालो यहाँ से जल्दी। आज के बाद दीख मत जाना और कभी यहाँ आ भी मत जाना। जो अब तुम्हारी महीने की सैलरी है ना वो भी नहीं मिलेगी आपको, निकलो यहाँ से। मालिक ऐसा मत करो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, भूखे मर जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं किया मेरे मालिक, बेसहारा हो जाएंगे आपके बिना। ये गंदी हरकतें करने से पहले नहीं सोचना था, अब यह रोक के मत दिखाओ, निकलो यहाँ से। मालिक को गलतफहमी हुई है, आपके यहाँ तो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, तो सब पता चल जाएगा, आप चेक तो करवा मेरे मालिक। ठीक है अभी कराता हूँ, और उसमें जरा सी भी तेरी गलती हुई फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, फिर देखना तू मैं क्या करता हूँ तेरे साथ में। यार कहाँ इसके चक्कर में रह रहे हो, इसे निकालो धक्के मार कर, इसकी बातों में रहोगे ना ऐसे ही तुम्हें बहलाएगा फुसलाएगा। अच्छा एक बार चेक कर लेते हैं, लाओ मेरा फोन दिखाओ।
ये लो। अरे नेहा, ये तो बर्तन धो रहे हैं। रामू काका, हम दोनों को माफ कर दो, हमें गलत फहमी हो गई थी। सॉरी रामू काका, मुझसे बड़ी गलती हो गई, मुझे गलत फहमी हो गई थी, मेरे को लगा पता नहीं क्या हो रहा था। सॉरी, मैं ऐसा नहीं करूँगी फिर दोबारा। मैंने पहले मां की नो कह रहा था, वो गलत फहमी हुई है, आप मेरी बात को मान ही नहीं रहे थे। काका, उस टाइम के हालात ऐसे हो गए थे, उसमें देख के मुझे भी लग गया था आपने कुछ गलत किया, और ऐसा कुछ नहीं है, आप काम कीजिए, आपकी सैलरी भी नहीं काटी जाएगी। ये तो मालिक सीढ़ी कैमरे लगे हुए थे, बहुत अच्छा हुआ, पता नहीं इस उम्र में मेरे पता नहीं क्या दाग लग जाता। सॉरी रामू काका, मुझसे बड़ी गलती हो गई, मैंने क्या क्या सोच लिया था आपके बारे में, पता नहीं बहुत सारी चीज़ें मैं सोच सोच करके परेशान हो गई थी, इसीलिए मैंने ब्रिजपाल को ही बोल दिया, अब काम करते रहो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ना माफ़ी मत मांगो, हम तो बढ़कर आदमी है, हमारा तो काम ही ऐसे आप लोगों की सेवा करना, काम नौकरी करनी, आप हमसे माफी बसाना, नौकरी पर बरकरार रखो ठीक है मालिक। क्या नेहा, गलती हो गई मैं से, पता इतने बुजुर्ग आदमियों को हमने ब्लेम लगाया, शर्म आनी चाहिए हम लोगों को।